अगर आप यह शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, सिपाही चालक, सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक पर यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर आप मैट्रिक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुल जो वैकेंसी आई है वो आप देख सकते हैं 9212 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जहां पर 9105 पुरुष के हैं और 107 महिलाओं की सीटें हैं। इसके लिए 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपको वेतन मिलेगा और इसके लिए आप इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं www.crpf.gov.in, क्योंकि ये CRPF की वैकेंसी है, महिला और पुरुष की, ठीक है। तकनीकी और ट्रेड्समैन दोनों पुलिस कर्मियों की ये भर्ती है। 27 मार्च से आवेदन शुरू हो रहे हैं, 25/4/2023 तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 20/6 से और 25/4/2023 के बीच में ये जो कंप्यूटर रहित प्रवेश पत्र हैं वो जारी होंगे, ठीक है। और ये 4 नहीं है, ये 6 यहाँ पर गलत प्रिंट है। उसके बाद जो इसका टेस्ट है वो 1/7 से 13/7 के बीच में करवाया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं और पूरी वहाँ पर अपडेट लें, साथ में आवेदन ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली पड़े हैं, जहां पर CRPF और BSF के ये पद खाली हैं, जहां पर पुरुष और महिला दोनों के पद यहां पर खाली हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में ये खुद स्वीकारा है और कहा है कि हमारे पास 84,866 पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर हम जल्द ही नई भर्तियों के विज्ञापन निकालेंगे। ये भी उन्होंने जानकारी दी है। आप देख सकते हैं कहां पर कितने पद खाली हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में यानी कि CRPF में 29,283, BSF में 19,987 और CISF में 19,475, SSB में 8,273, ITBP में 4,142, राइफल्स में 3,706, ठीक है। ये पद यहाँ पर कुल खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, चिकित्सा और नर्सों के भी पद यहाँ पर खाली हैं, जिस पर आपको जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा। विस्तृत विज्ञापन की जानकारी के लिए आप चैनल को